हाँ हेलो, कैसे हैं आप लोग? नमस्कार, मैं हूँ रितु आचार्य। मुझे पता है अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मत कीजिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं वीडियो बनाना छोड़ दूँगी, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूँगी। क्योंकि मैं खुद को डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं करूँगी, हालांकि हूँ लेकिन फिर भी मैं नहीं करूँगी। जीना चाहती हूँ इसीलिए जी रही हूँ, जीना चाहती हूँ इसीलिए जी रही हूँ, पर मन नहीं है। कैसा कॉन्ट्राडिक्ट मेरी बातें हैं, ऐसे ही कॉन्ट्राडिक्ट जिंदगी होती है। वो बोलते हैं ना कि आत्मनिर्भर 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 बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत नुकसान देता है आपका ये आत्मनिर्भर बनना। क्योंकि जब आप आत्मनिर्भर हो जाते हैं ना, तो ना परिवार वाले आते हैं आपकी हेल्प के लिए और ना कोई दोस्त आगे आता है, क्योंकि सबको पता है कि ये तो आत्मनिर्भर है, ये तो इतनी इंडिपेंडेंट है कि बीमार होगी तो हॉस्पिटल भी खुद चली जाएगी, तो यार कोई पूछने ही नहीं आता है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा समझदार होना अच्छी बात है या बुरी। काश कि मैं डिपेंडेंट होती। बाबू सोना प्लीज, आई कांट गो विदाउट यू, तो शायद मेरे पीछे 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 हर जगह वो सपोर्ट रहता मेरे साथ में, एक अलग सा कुछ रहता। पता नहीं, बट मैं ऐसी हूँ नहीं। क्या बोलते हैं आप लोग, आत्मनिर्भर होना चाहिए या थोड़ा सा छोड़ देना चाहिए कि यार मुझे नहीं आता है, हर चीज़ में क्यों मैं कूद के बोलती हूँ ओके बेबी आई कैन डू इट। अब बेबी पूछता ही नहीं है, सीधा ऑर्डर करता है, प्लीज़ यू डू दैट। हद है यार, हद है। मैं सांस ले रही हूँ मतलब जिंदा हूँ, मैं सांस ले रही हूँ मतलब जिंदा हूँ, लेकिन क्यों जिंदा हूँ ये अभी भी समझ नहीं आ रहा है। क्या मैं आत्मनिर्भर होने के लिए पैदा हुई थी? क्या मेरा टारगेट सिर्फ यही था बचपन से कि मैं आत्मनिर्भर हो जाऊँगी? मैं ऐसी क्यों हूँ नहीं समझ आ रहा यार। बहुत सारा कन्फ्यूज़न है मेरी ज़िंदगी में इन दिनों, एंड आई एम श्योर कि किसी न किसी बातों को लेके आपकी ज़िंदगी में भी कन्फ्यूज़न होगा। तो इसका रास्ता क्या क्या कर सकते हैं हम? कृपया आप मुझे भी राय दीजिए और कुछ एक जवाब मैंने ढूंढे हैं। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट होगा तो डेफिनेटली मैं शेयर करूँगी, लेकिन उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और कमेंट बॉक्स में पूछना पड़ेगा। चिल्ला नहीं रहे, चिल्ला बिल्कुल नहीं, नो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्यों करें? आप भी आत्मनिर्भर हैं, तो ये आपके ऊपर है करें कि नहीं करें। लेकिन आपकी आत्मनिर्भरता से शायद कुछ हो जाए मेरा, तो प्लीज़ इट्स अप टू यू, नॉट फोर्स। डिसीज़न आपको ही लेना है, अपनी आत्मनिर्भरता के साथ ही आपको डिसीज़न लेना है। चलिए, मैं इंतज़ार करती हूँ आपके जवाबों का, सवालों का और सब्सक्राइबर्स का, फॉलो का, लाइक का, हर चीज़ का इंतज़ार है मुझे। थैंक यू।